हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है उसका एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए मेन बोर्ड ये आईपीओ है, इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे क्या कौन से डेट पे आईपीओ आ रहा है और साथ साथ कंपनी किस प्राइस पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है कि कितना चांसेस रहेगा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन मिलने का और आज के डेट में इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट का कितना चांसेस है और इस आईपीओ के अंदर किसका कितना कोटा रखा गया है, QIBs का, HNIs का और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर को कितना सब्सक्रिप्शन दिया गया है यानी कितना इसके अंदर कोटा दिया गया है, सारी बातें सारी डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देख लेते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ को एक बार रिव्यू कर लें। एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में, नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है यानी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा 22 अगस्त को, इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और 24 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। एक मेन बोर्ड आईपीओ है और साथ साथ कंपनी अपना आईपीओ जो लेकर आ रही है 102 रुपये से 108 रुपये के बीच में लेकर आ रही है। जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 108 रुपये, अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड पे ही सब्सक्रिप्शन ले 108 रुपये के ऊपर, इस पर ही ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। और साथ साथ में फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो फेस वैल्यू 2 रुपया है और आईपीओ की साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 351 करोड़ का ये आईपीओ है। मेन बोर्ड ये आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग हमको बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ साथ में बात करेंगे इसके लॉट साइज़ के बारे में तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 130 शेयर्स रखे गए हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। कम बैक टू माई चैनल, हम बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। मेन बोर्ड आईपीओ है, नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। इसकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ ये उन्होंने अपने प्रोडक्ट वगैरह अलग अलग मेंशन करे। अगर देखा जाए तो कंपनी के बारे में और कंपनी का जो मिशन है और उसका जो विजन है वो देखेंगे और साथ साथ में बात करेंगे कंपनी के मेन चीज़ प्रोडक्ट के बारे में। देखा जाए तो अलग अलग इनका प्रोडक्ट है, स्टील हाउस और साथ साथ में असेंबल गैस हाउस और अलग अलग प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और साथ साथ में सेल सर्विस भी करती है। अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें सारी बातें इन्होंने मेंशन करी है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देखेंगे और साथ साथ में कंपनी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो उनके मेन जो क्लाइंट है इंडियन ऑयल और साथ साथ में अलग अलग DCM श्रीराम गंधर और भेल, ये अलग इनके कंपनी के क्लाइंट भी है। चलो आईपीओ और भी डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में, नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ और देखा जाए तो ये करीब करीब इनकॉर्पोरेट थी 1993 में। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड इज नॉन एज सोयोग इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट के अंदर काम करती है। और साथ साथ में इनका कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूड ब्रैडेड हाउसेस, अनब्रैडेड हाउसेस, सोलार हाउसेस, गैस हाउसेस और वेकम हाउसेस, ब्रैडिंग इंटरलॉक हाउसेस, ये सब इनका प्रोडक्ट है जो कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर साथ साथ में मेंशन की भी हुई है। और साथ साथ में बात करते हैं तो कंपनी इनकी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ लोकेटेड एट तलोजा नई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और साथ साथ में पूरा एरिया दिखाया तो करीब करीब 359,528 स्क्वायर फीट पर पूरा एरिया फैला हुआ है कंपनी का। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी के डिटेल में तो देखा जाए कंपनी क्लाइंट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर, फैब्रिकेटर, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन कंपनीज और साथ साथ में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज ऑपरेटिंग इन द वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करती है। और साथ साथ में देखा जाए एरोफ्लेक्स रिकॉर्डेड 26,95,00,000 टोटल रेवेन्यू इन फिस्कल ईयर 2023। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, अगर फाइनेंशियल देखते हैं तो मार्च 2020 के अंदर जो टोटल असेट थी कंपनी की करोड़ में दिया हुआ, अभी करोड़ में बता रहा हूँ, 157 करोड़ टोटल असेट थी और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 145 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 4 करोड़ का हुआ था। नेटवर्थ कंपनी की थी 52 करोड़ की और टोटल लोन भी कंपनी के ऊपर करीब करीब देखा जाए 63 लाख का करीब करीब कंपनी के ऊपर लोन भी था। मार्च 2021 और 22 के बाद अगर मार्च 2023 का देखा जाए डायरेक्ट तो ईयर ऑन ईयर करीब करीब टोटल असेट हो गई थी 2023 में 214 करोड़ की और साथ साथ में रेवेन्यू आया था 270 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया था कंपनी का 30 करोड़ का और टोटल नेटवर्थ हो गई थी कंपनी की करीब करीब 114 करोड़ की और टोटल बोरोइंग यानी उधार भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 45 करोड़ का उधार भी था। चलो देख लेते हैं कंपनी की और भी डिटेल क्या है। अगर ईयर और ईयर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 4 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ का हो गया यानी 10 गुना करीब करीब कंपनी का
प्रॉफिट देखने को मिला, और रेवेन्यू देखा है तो 144 करोड़ से डायरेक्ट 270 करोड़ का हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और लेकिन उधार भी देखा है तो कंपनी के पास करीब करीब 63 करोड़ से बढ़ के करीब कम करके कंपनी ने 45 करोड़ तक का अपना उधार भी लेकर आया है। देखा है तो 30 करोड़ का प्रॉफिट है और 45 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी है। चलो और डिटेल क्या है कंपनी के वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड IPO के बारे में, अगर ये IPO देखा जाए तो 22 अगस्त से स्टार्ट होगा और 24 अगस्त को ये क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखी गई है और IPO प्राइस 102 से ₹108 पर शेयर रखी गई है, और एक लॉट के अंदर 130 शेयर्स रखे गए हैं। और टोटल इशू साइज देखा जाए तो कंपनी के 351 करोड़ का ये IPO लेकर आ रही है, जिसके अंदर फ्रेश इशू भी करीब करीब 162 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 189 करोड़ का करीब करीब इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है। कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, और साथ साथ में बात करेंगे लिस्टिंग की तो BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। मेन बोर्ड ये IPO जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, और साथ साथ में इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का 50% रखा गया है, HNIs का इसके अंदर 15% रखा गया है, और साथ साथ में रिटेल की यानी हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है रिटेल का इसके अंदर 35% दिया गया है। चलो देख लेते हैं IPO की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। फ्लेक्स इंडस्ट्रीज IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया था 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 तारीख को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की, तो ये हमको 29 तारीख को देखने को मिलेगा और 30 तारीख को ये हमारे रिफंड हो जाएगा और 31 तारीख को ये हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, 1 सितंबर फ्राइडे का दिन रहेगा। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको गेन मिल सके, वो एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देख लेते हैं इस IPO के लॉट साइज़ के बारे में, क्योंकि मेन बोर्ड IPO है, एक लॉट कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं, लॉट साइज़ को समझ लेते हैं। रिटेल मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट ले सकता है और मैक्सिमम 14 लॉट ले सकता है, जिसके अंदर 14,000 अमाउंट के पे करना पड़ेगा एक लॉट के लिए, जिसके अंदर 130 शेयर्स मिलेंगे। और मैक्सिमम अगर लेना चाहे तो इसके अंदर 14 लॉट रहेगा और 1820 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट 1,96,560 पे करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा लेट लॉट ले रहे हैं, 14 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं, 15 लॉट ले रहे हैं, तो HNIs के कैटेगरीज में आ जाएंगे। इसके अंदर भी देखा है तो करीब करीब मिनिमम 15 लॉट ले सकता है, और जो 10 लाख के अंदर लेंगे तो 71 लॉट रहेगा, 10 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो मिनिमम 72 लॉट रहेंगे, जिसके अंदर अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,10,000 और साथ साथ में 9,96,000 पे करना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर ले रही है तो करीब करीब 10,10,880 पे करना पड़ेगा, और शेयर्स मिलेंगे इसके अंदर 9,360 शेयर्स मिलेंगे। और IPO का डिटेल में बात करते हैं तो फिलहाल अगर देखा जाए अभी प्रमोटर की जो होल्डिंग है 96% होल्डिंग है, और IPO लिस्ट होने के बाद 67% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। चलो IPO की और भी क्या डिटेल है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो। करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड IPO के डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज इसका देखा जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आज है 14 अगस्त 2023 और आज के डेट में करीब करीब ये 32-33% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। देखा जाए तो जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था करीब करीब 18-20% के बीच में ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था, लेकिन अब इसके अंदर करीब करीब डबल देखने को मिला, करीब करीब 32-33% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ जब भी कोई IPO आता है अगर 10-15% पे अगर वो लिस्ट होता है तो उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है, और जहाँ वो 40-50% पे लिस्ट होता है उसको बंपर लिस्टिंग देखी जाती है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है इस IPO के अंदर भी हमको बंपर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है ये भी हमको 40-50% पे अगर लिस्ट हो तो इसके अंदर भी बंपर लिस्टिंग होगी, जैसे मेरा डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ में बेल आइकन की बढ़ाई दबा देना ताकि नई वीडियोस नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।